स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास सेवन, फोर्थ चैप्टर, हिंदी सेकंड, व्याकरण, एट लेक्चर, प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। बेटा, इस एट्थ लेक्चर में आपको प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद के बारे में बताया जाएगा। वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से शब्द को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है बेटा विकारी शब्द और दूसरा होता है अविकारी शब्द। विकारी शब्द क्या होता है? जो शब्द लिंग वचन काल के प्रभाव से अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जैसे मैं शब्द के मैंने, मुझे, मेरा, ये क्या है? ये शब्द बदल गया तो ये विकारी शब्द हो गया। अविकारी क्या होता है? जिन शब्दों में लिंग वचन काल के प्रभाव से कोई परिवर्तन नहीं होता उसको बेटा हम विकारी शब्द कहते अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, वहाँ, परंतु, अथवा, आदि। अब ये क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक शब्द, ये सब क्या हैं बेटा? अविकारी हैं। इन्हें अव्यय भी कहते हैं। अब शब्दों के जो अन्य भेद होते हैं आइए उनके बारे में डिस्कस करते हैं। शब्दों के कुछ अन्य भेद भी होते हैं, जैसे अन्य अनेक शब्दों के एक शब्द, ध्वनि बोधक शब्द, श्रुति सम भिन्नात्मक शब्द, युग्म शब्द, समूहवाची शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द। अब चलिए अनेक शब्दों के एक शब्द कैसे होते चलिए जानते। ऐसा शब्द जिसके द्वारा थोड़े शब्द में अधिक बात कह दी जाती है उसको अनेक शब्दों का एक शब्द कहते हैं बेटा, ठीक है। अब जैसे साग सब्जी खाने वाला, तो ये कितना बड़ा वाक्य है? हम कह देंगे शाकाहारी है, वो इंसान शाकाहारी है ना। मांस मछली खाने वाला मांसाहारी। तो ये एक शब्द क्या होता है? शब्द को संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना, ठीक है। कीचड़ में जिसका जन्म हुआ हो, पंकज। तो कीचड़ में क्या? पंकज। कीचड़ में किसका जन्म होता? कमल का होता है, तो कमल को हम क्या कहते हैं? पंकज, संक्षेप हो गया, ठीक है। अब जैसे इसमें दिए गए हैं वाक्यांश है, जैसे जिससे चूक हो, अचूक, जिससे परिचय ना हुआ हो, अपरिचित कहते हैं कि अपरिचित व्यक्ति, जिसका कोई नाम ना हो, जिसका कोई नाथ ना हो, अनाथ, जो कभी नहीं मरे, अमर, अनेक राष्ट्रों से जुड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय, इतिहास की जानकारी रखने वाला, जैसे हमने इसको संक्षिप्त कर दिया, तो इतिहासज्ञ, जो जल में विचरण करता हो, जलचर, जिसमें क्षमता ना हो, अक्षम, जिसमें एक ही अंक हो, एकांकी, ठीक है। विचार करने वाला, विचारक, जिसे कोई डर ना हो, निडर, जिसका कोई उद्देश्य ना हो, निरुद्देश्य, और जिससे आर पार दिखाई दे, ठीक है। पारदर्शक, जहाँ चार रास्ते मिलते हो, चौराहा उसको कहते हैं। पानी में चलने वाला, जहाज होता है, जलयान, ये आप लोग जानते हो बेटा। अब ये बेटा आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। ये आपको होमवर्क में इतने इतने लिखने हैं आपको अपनी कॉपी में, होमवर्क में, ये 15 तक, ठीक है, 15 ये आपको होमवर्क में अपनी नोटबुक में लिखने हैं। अब अगला लेक्चर आप कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।